अगर आप सीएनजी में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको लैग फील हो रहा है, मिसिंग कर रही है आपकी गाड़ी, वाइब्रेशन हो रहा है आपकी गाड़ी पे, या फिर चेंज ओवर टाइम आपको झटके लग रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। हमारी गाड़ी पे सेम प्रॉब्लम अभी है और हम इसको फिक्स कराने के लिए आए हैं। अब आपको क्या क्या करना है वो आप इस वीडियो में समझ लें और जान लें। अगर आपकी गाड़ी पे ये सारी प्रॉब्लम्स है तो आप सबसे पहले अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाके स्पार्क प्लग को चेक कराइए, और अगर चेंज करना बनता है तो आप एनजी के का ही स्पार्क प्लग अपनी सीएनजी गाड़ी पे लगवाना। उसके बाद आप एयर फिल्टर को क्लीन या फिर चेंज करा लें, थ्रॉटल बॉडी को चेक करा लें। अगर इन सब से आपकी गाड़ी नहीं सही होती है, मिसिंग करती है, फिर भी झटके भी मारती है, तो आप अपनी गाड़ी का रीट्यून फिर से करवा लें, यानी आप सीएनजी का अपना ट्यूनिंग फिर से करवा लें। कभी कभी प्रॉपरली हमारी गाड़ी का जो ट्यूनिंग होता है वो नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी हमारी गाड़ी पर लैग मिसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब आप ट्यूनिंग फिर से करवा लेंगे प्रॉपरली तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो हमारा एयर फिल्टर वो भी क्लीन है और हमारा जो प्लग है वो भी अभी सही है और थ्रॉटल बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारी गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो हम आज अपनी गाड़ी पे सीएनजी की रीट्यूनिंग करवाने आए हैं। सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है इसीलिए ये मिस कर रही है। तो अभी हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे और यहाँ से ये जो मैकेनिक भाई हैं वो चेक कर रहे हैं कहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं और किस तरीके से इसे सही या फिक्स करना है। आगे वीडियो में आपको बताएंगे, जब ये यहाँ से सेट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम सही हुई कि नहीं सही हुई, और अगर पिकअप में कमी आपको लैग फील ज़्यादा हो रहा हो तो भी आप इसको चेक करवा सकते हैं। तो अब हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये जो सेटिंग कर रहे हैं वो कितना वर्क कर रही है और हमारा लैग फिक्स हुआ कि नहीं। तो अब अपनी गाड़ी पे सॉफ्टवेयर पे चेक हो रहा है कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम है। अभी मैप पे ये देख रहे हैं और इसे सेट कर रहे हैं, जो हमारा लैग है उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम इसे ड्राइव करके देखेंगे कि हाँ हमारा लैग कुछ कम हुआ कि नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि लैग यहाँ से हमने फिक्स किया है। अब आप चला के देख लीजिए, तो हम ये भी करके देख लेते हैं कि लैग हमारा कितना फिक्स हुआ। वैसे हमारा जो लैग था वो फर्स्ट और सेकेंड और तीसरे गियर पर ही था, क्योंकि जब हमारी गाड़ी हाईवे पर होती थी तो वहाँ पर मुझे लैग महसूस नहीं होता था, बट हाँ थोड़ा दब के चलती थी सी एन जी पे। जब हमने शुरू में अपनी गाड़ी पर सी एन जी का फिटमेंट कराया था तो मुझे 2-3 महीने ऐसे कोई इशू नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं हुई, बट हाँ 2-3 महीनों के बाद मुझे ये लैग फील होने लगा, क्योंकि पहले तो लैग बिल्कुल नहीं था। वहाँ भी जब सीएनजी लगी थी तो हम चेक किए थे तो मुझे उस टाइम लैग नहीं था, 2-3 महीने तक इनफैक्ट लैग नहीं था, बट हाँ बाद में फिर से शुरू हुआ लैग। तो इसीलिए अभी 6 मंथ हो चुके हैं और हमने कहा एक बार फिर से इसे चेकअप करवा दें। तो बेसिक से हमने इसको चेक करवाया, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर और थ्रॉटल बॉडी, वहाँ पर कोई इशू नहीं था। तो फिर अब ये अपना लास्ट का जो काम बचता है सॉफ्टवेयर चेक, ये हो रहा है। और अभी मुझे सच में लैग थोड़ा सा फिक्स लग रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट गियर पे इसे देखा, अभी मुझे लैग तो नहीं फील हुआ, थोड़ा गाड़ी भी फ्री चल रही है। आगे आपको बताते हैं जिस तरीके से इसका रिस्पांस रहता है कि हाँ लैग फिक्स हुआ कि नहीं। बट अगर ये सारा इशू आपके साथ होता है तो आप भी अपनी गाड़ी पे इस तरीके से लैग को फिक्स करवा सकते हैं। जी हाँ, लैग हमारा काफ़ी हद तक कम हो चुका है और गाड़ी भी थोड़ा फ्री हो चुकी है। देखो सीएनजी गाड़ियों में क्या है कि आपको लैग तो फील होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप पेट्रोल से स्विच करेंगे सीएनजी पे तो आपको वो लैग फील होगा और गाड़ी थोड़ी सी दबके चलेगी ही, बट हाँ इतना तो कंप्रोमाइज़ करना होता है। और अगर झटके थोड़े से बढ़ जाते हैं तब वहाँ पे इशू आता है। तो ऐसा ही इशू अगर आपके साथ कुछ होता है तो इस तरीके से आप फिक्स करवा सकते हैं। सो फ्रेंड, 5 से 6 किलोमीटर हम चला चुके हैं और आपको फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ। तो लैग फिक्स हो चुका है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये सारी चीज़ें आप भी करके अपनी गाड़ी का लैग फिक्स करवा सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, सेफ ड्राइव, हैप्पी ड्राइव।